चाहिए कोको बीन्स जो है बड़ा कीमती, वो तेजी से है आ रहे, हम कैसे भला ये सहे। तो हमें चाहिए रक्षक भी जो बचाए अब को। जी बॉस, उठ जाइए, हमारा स्पेसशिप आज आ जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर, सुनो, बैंक में कुछ लुटेरे घुसे हैं। सावधान से सुनो। हम तीनों चोर हैं। हम सबको इसने बंदी बना कर रखा है। जल्दी बताओ टॉयलेट कहाँ है। ओह नो। शुक्रिया बोबो बॉय, तुमने बहुत अच्छा किया बोबो बॉय। तुम्हारा स्पेसशिप? मैं दिन भर से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें अपना स्पेसशिप वापस मिल गया है। पर कैसे? हमने धोखेबाज बागोगो को बेवकूफ बनाया, उसे सबक सिखाया। उसने हमारा भरोसा किया और हमारा स्पेसशिप हमें लौटा दिया। इस तरह लोगों को बुद्धू बनाना अच्छी बात नहीं है। पर क्यों नहीं, उसने पहले हमें धोखा दिया तो हमने भी उसे धोखा दिया। कोई गलत करे तो तुम्हें गलत नहीं करना चाहिए, तुम तो बच्चे हो ना। ये सच है, पर हम थोड़े से बदमाश हैं। वाओ, क्या बात है, हम तुम्हारे स्पेसशिप में घूमने जा सकते हैं? अरे नहीं, क्या है वो? हो सकता है बागोगो की कोई खास डील हो, एक के साथ पांच फ्री। मुझे ऐसा नहीं लगता है, बागोगो कभी नुकसान का सौदा नहीं करेगा। ये किस तरह का जीव है? क्या ये हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है? आप सब हमारे साथ बने रहिए। अरे भाग जाओ सर, भाग जाओ, जितनी दूर हो सके भाग जाओ। ये तो बागोगो है। पर हम क्यों भागे? ओ सर, क्योंकि मेरे सारे भाई यहाँ आ चुके हैं, आपने जो किया था उसका बदला लेने के लिए। बदला? ये तुम क्या कह रहे हो? ओहो, मासूम बनने की कोशिश मत करो, हम सब बदला लेने ही आए हैं, क्योंकि तुमने हमें फंसाया था। ओह नो, आपने ये क्या कर दिया बॉस? मैंने क्या किया? तुमने इन्हें फंसाया और अब उसका नतीजा हमें भुगतना होगा। लेकिन बॉस, मैंने उन्हें आपके लिए फंसाया था, तो देखा जाए तो आप भी इसमें शामिल थे। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो बॉब? आपकी जानकारी के लिए, पीढ़ियों से हमारे परिवार को किसी ने नहीं फंसाया है। ओ नहीं, फिर तो आप माफी मांग लो बॉस। लगता है किसी जरूरी चीज पर बहस हो रही है। आप पहले हो जिसने हमें धोखा दिया है, आज तक कोई इसमें कामयाब नहीं हो पाया। पहले तुमने हमें धोखा दिया? ओ जी, पिछली बातों को भूल जाओ, आप स्कूल में भी हमेशा पुरानी बातें करते थे। क्या बोल रहे हो, हम कभी स्कूल में नहीं थे। मैं हमेशा क्लास में आपके पीछे बैठा करता था। कितने दुख की बात है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच का प्रॉब्लम तब से चला आ रहा है जब ये दोनों स्कूल में थे। जरा एक मिनट, ये स्पेसशिप तो इजोजो ने खरीदा था ना? हाँ, ये सच है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से है। तुम ही हो जिसने इजोजो को हराया था। इतना ही नहीं, उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, उसकी सारी हड्डियाँ टूट गई थी और उसकी नाक चपटी हो गई थी और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। पर इस सब का स्पेसशिप से क्या लेना देना है? तुम्हें क्या लगता है, हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता है? उसका बिल बहुत ज्यादा आया, उसके पास पैसे नहीं थे तो पैसों के लिए उसने स्पेसशिप बेच दिया। ओ, बेचारा इजोजो। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब मैंने कुछ दिन पहले उसे देखा तो मैं रो पड़ा, उसकी टांगे लटक रही थी ऐसे। बेचारा इजोजो। हाँ, उसके साथ इतना सब होते देखना बहुत दुख की बात है। तुम लोगों ने ना सिर्फ मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी, पर उसके बाद उसे इतना बड़ा हॉस्पिटल का बिल चुकाना पड़ा। वो कौन सा हॉस्पिटल में गया था? ओ जी, वो मेरे हॉस्पिटल में था। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, मैं यहाँ अपने हॉस्पिटल की बात करने नहीं बल्कि इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें होने वाले खतरे की चेतावनी दे सकूँ, क्योंकि अभी मेरे भाई बहुत ही गुस्से में है। और तुम्हारा क्या, तुम गुस्से में नहीं हो? हाँ, मैं भी बहुत गुस्से में हूँ, मेरे और मेरे भाइयों को धोखा दिया गया, जरा मेरे गुस्से भरे चेहरे को देखो। अरे ये क्या, ये तो बहुत गुस्से में दिख रहा है। तो फिर तुम हमसे भागने को क्यों कह रहे हो? वो इसीलिए कि चाहे मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊँ, मेरा बिजनेस मेरे लिए नंबर 1 रहता है। आखिर कहना क्या चाहते हो?
ओहो, लगता है तुम वो हो जो मैथ क्लास के दौरान बिल्कुल ध्यान नहीं देते और बस क्लास में पीछे बैठकर खेलते रहते हो, है ना? हाँ, हमेशा क्लास में खेलता रहता है। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया, चलो मैं तुम्हें मैथ सिखाता हूँ। ये देखो, ये तस्वीर तुम सब की है और हो सकता है कि तुम सब मेरे कस्टमर बनो और मेरे कस्टमर की तरह तुम ही हो जो मुझे पैसे दोगे। मुझे इतना पैसा मिलेगा। पैसा तो बहुत अच्छी चीज है। और सोचो कि अगर मेरे भाइयों ने तुम्हें शूट कर दिया तो मेरे होने वाले कस्टमर्स तो गए काम से। इसीलिए भविष्य में होने वाली कमाई नहीं होगी। अब बताओ, तब मुझे और पैसा कहाँ से मिलेगा? काफी स्मार्ट हो तुम। इसीलिए तुम सबको अभी भाग जाना चाहिए। भाग जाओ, भाग जाओ। तुम इन्हें पकाने को क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं इन्हें भागने को नहीं कह रहा हूँ। अब तुम्हें भूख लगी है? चार और हरे जीव निकल कर सामने आ चुके हैं। पता नहीं इन्हें हमसे क्या चाहिए। वो दोनों, उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया था। मैं एक मासूम और ईमानदार रोबोट हूँ। मेरे बॉस ने आपको धोखा दिया है। ओए, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बता दिया है हम कौन है। तुम्हें कहीं देखा है? अरे हाँ, तुम और मैं पहले एक ही क्लास में थे। हम दोनों मिस्टर जेरी की क्लास में थे। ओए, कौन से जेरी की बात कर रहे हो? हम हैं पाँच धोखे पाँच। अब मेरे पास पक्का सबूत है कि पृथ्वी बर्बाद होने वाली है। ओ ठीक है मेरे भाई, खुद की पहचान तो बताओ। मैं हूँ पाकोगो, गैर कानूनी हथियारों का डीलर। पर तुम सब तो मुझे जानते ही हो ना? हम जानते हैं। मेरा नाम है वक्त बागागा और मैं हूँ दुनिया का मशहूर ओजा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो काफी कमजोर लग रहे हो नौजवान। हाँ, मुझे पता था किसी ने तुम पर जादू किया है। हमारे साथ ऐसा कौन करेगा? ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो तुमसे बहुत ही करीब है। हो सकता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बोबोबॉय? मैंने कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम है? तुम इतना नीचे गिर गया? बस करो, ये झूठ कह रहा है। किसे पता था कि इंसानों को बेवकूफ बनाना आसान है? सर, आप जीत गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में। हाँ, तो हमने क्या जीता है? सर, आप एक स्पेसशिप जीते हैं। www.sharewithspaceship.com.my पर। वो इसे किस तरह का स्पेसशिप मिला है? तुमने जीता है एक्सपोर्ट स्पेसशिप रेड कलर का gorgeous.my वेबसाइट से। उड़ी बाबा, यकीन नहीं होता। बचपन से हमारा सपना था कि हमारे पास स्पेसशिप हो। हाँ, कुछ शर्तें मान लो तो ये तुम्हारी हो सकती है। हमको ऊंचाई है पर बुब बॉय इस पर सवारी नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं कर सकता? तुमने जादू किया था। तो हमको स्पेसशिप कैसे मिलेगा? हाँ, ये बहुत आसान है सर। बस अपने बैंक का पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए और इस डिजिटल एग्रीमेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। तुम कितने बेवकूफ हो। हे, हमें वो पेन वापस दो। हमको स्पेसशिप का मालिक बनना है। पर तुम्हारे पास उसके लिए लाइसेंस भी नहीं है। जरा इन बेचारे बच्चों को देखो। और मैं हूँ बागोगू। मैं हूँ एक क्यूट फ्रेंड। तुम्हारी चाल काम नहीं करेगी। तुम्हें पूरा यकीन है? तो इनके बारे में क्या कहना है? बागोगू, बागोगू, तुम कितने हैंडसम हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे। ओह प्लीज दादी, उससे बेहतर तो मैं लगता हूँ। तो ये है बगागा, बगिगी, बागोगो, बगुगु, आखिर में मैं। मुझे पता है तुम बागी की होगी। मैं हूँ टॉम। उड़ी बाबा, तुम्हारा नाम टॉम कैसे पड़ा? हाँ, मुझे कैसे पता? मेरी माँ ने दिया था नाम। तुम तो झूठ बोल रहे हो। सच में जानना चाहते हो? मैं एक बहुत ही कामयाब धोखेबाज हूँ। इसका नाम सच में टॉम है बॉस? ओए चुप कर। मैं चाहता हूँ कि पूरी गैलेक्सी हमें बेवकूफ बनाने का अंजाम जान जाए, तो हम इस पृथ्वी को लूट कर साफ कर देंगे। अरे नहीं, कितनी शैतानी भरी हंसी है उसकी।
इस बार पृथ्वी की किस्मत खतरे में है। पता नहीं बोबोबॉय इस खतरे से हमें कैसे बचाएगा। रिलैक्स रहो, मुझे पता है क्या करना है। चलो इन्हें सबक सिखाएं। अब देखना तुम्हारा क्या होगा, बोबोबॉय तुम्हारी हालत खराब करेगा। ओ, तो आ जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ अपना स्पेसशिप वापस देने के लिए। बिल्कुल नहीं, वो मेरा स्पेसशिप है। पर अगर तुमने उसे वापस नहीं किया तो हम सब पर हमला होगा। अगर हम पहले हमला करें तो ऐसा नहीं होगा। पहले हमला बम बम। बस करो, लड़ना हर चीज का हल नहीं होता। कम ऑन अडूडू, हम ये शांति से सुलझा सकते हैं। तो क्या तुम हमें स्पेसशिप वापस करोगे? उसे वापस कर दो अडूडू। ठीक है, उसे वापस कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा फैसला है। वैसे भी हमारी लड़ाई की कोई वजह नहीं थी। स्पेसशिप की वजह से हमारे रिश्ते को खराब मत करो। ओए, मैं खुशी खुशी तुम्हारा स्पेसशिप तो ले लूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें हम सबसे माफी मांगनी होगी। ये कोई बात नहीं हुई, तुमने सबसे पहले हमें धोखा दिया तो माफी मैं क्यों मांगू। ये ठीक नहीं है। पहला हमला बम बम। ओए, जो अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो फिर बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। पहला हमला बम बम। तुम उनसे माफी मांग लो। पर सबसे पहले तो उसने मुझे धोखा दिया। हमें ये साबित नहीं करना कि पहले गलती किसने की, हमें बस इसे सॉल्व करना है। तो माफी मांगोगे या नहीं? लाखों सालों में भी नहीं, मैं तुम जैसों से कभी माफी नहीं मांगूंगा। ये क्या बात है बॉस, बहुत अच्छे बम बम। तो ठीक है, अभी कोई रास्ता तो बचा नहीं है, तो ये ले अपना बेकार स्पेसशिप वापस और देख अब मैं क्या करता हूँ। ओए होए, पांच धोखेबाज का हमला। सब लोग छिप जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे भाग सकते हो? सब बचकर इधर उधर भाग रहे हैं। ये पांचों इस शहर को खत्म करना चाहते हैं। उड़ी बाबा, अब हम क्या करेंगे? ओए, बस इतना ही दम है? चलो भाइयो हमला। मेरे साथ इस वक्त है दादी जी। तो दादी जी, क्या आप मुझे बताएंगी कि शैतान एलियंस का हमला कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सालों बाद ऐसे भाग रही हूँ। लगता है एलियंस के हमले से सबकी कसरत भी बहुत अच्छी हो रही है। शैडो अटैक। मम्मी। रोक जाओ और उस बच्चे को बचाओ। वाओ, क्या बात है ब्रो, बहुत अच्छे। फिक्र मत करो बच्चे, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ओह नो, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मेरा बेटा। भागो। माफ कर दीजिए बॉस, मैंने आपको नहीं देखा। अडूडू, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। लगता है
सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है, पर शैतान एलियंस अब भी बिना रुके हम पर हमला कर रहे हैं। अगर हमें उनसे लड़ना है तो हमें उनका ध्यान कहीं और हटाना होगा। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब समझ में आया। ओए मारा गुस्सा नहीं समझे तुम, बागो जितना छिपरा छिपो छोड़ेंगे नहीं। चलो अडूडू, तुम्हें स्पेसशिप को उड़ाना होगा, हम ये लड़ाई यहाँ नहीं लड़ सकते। मेरा हाथ, मैं इसे चला नहीं सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे? तुम इसे उड़ाओ। लेकिन मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। साफ-साफ क्यों नहीं बताते कि तुम्हें उड़ाना नहीं आता? तुम सब शांत रहो, हम संभालेगा। वाओ, तुम इसे उड़ाओगे गोपाल? हाँ, देखो हम कैसे उड़ाता है। ये बिल्कुल धमाला स्टिक नहीं है। ओ नो, तुमने देखा वो स्पेसशिप के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओ क्या, ए चलो उनका पीछे करो। ओ नो, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। बूढ़ी बाबा, अब आप क्या करेगा? बोबोबॉय, तुम इसे उड़ाओ। पर मुझे इसे उड़ाना नहीं आता। जल्दी बोबोबॉय, जल्दी बोबोबॉय, जल्दी। मुझ पर हमला मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमला मत करो, हमला मत करो। उनका पीछा करो। पर शिप को उड़ा कौन रहा है? पावर बढ़ा हुआ है ना? ठीक है। क्या बात है? पूरी तरह चार्ज हो चुके हैं, चलो निकलो। सुनो सब, कस कर पकड़ो। पूरी बाबा, हम क्या पकड़ेगा? क्या लगा इतनी आसानी से बच जाओगे? हाइपर स्पीड के लिए तैयार। वो समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। वो हमारे पास आ रहे हैं। उनका स्पेसशिप हमारे से काफी तेज है। तुम्हारा स्पेसशिप पुराना है, उसे म्यूजियम में रखो। तुम हमारे लेटेस्ट टेक्निक वाले स्पेसशिप से बच के भाग नहीं सकते। चलो केपाबो मिसाइल शूट करो। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। शूट कर रहे हैं। शुरू कर सकती हो? समझ गई। मुर्गियों का तड़पा तैयार हो गया। ओ नहीं, अब मुझे पूरा फिर से बनाना पड़ेगा। चलो इसे कहीं और ले चले। हाँ, चलो जंगल में चलते हैं। नहीं, वहाँ बहुत सारे जानवर हैं, वो खतरे में पड़ जाएंगे। तो फिर खुला मैदान। अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ कीड़े हैं। समुद्र में? वहाँ मछलियाँ हैं। साउथ पोल? वहाँ पेंगुइन्स हैं। जो करना है जल्दी करो ना। अब हम कहाँ जाएंगे? ओके, मैं समझ गई। समझ गया, हम रेगिस्तान में जा रहा है। नहीं गोपाल, तो फिर हम हैं कहाँ? हम चांद पर हैं। चांद पर? आएगा ना ऐसा मौका, होगा ना कभी धोखा।